हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ हम अपनी इंडियन पॉलिटिक्स सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 20, जिसका नाम है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या दी गई हैं सारे आर्टिकल्स के अंदर। बट उसके पहले कुछ आपको बैकग्राउंड की चीज़ें बता दूं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, इसमें आप बहुत अच्छे से जानते हो कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो कर रखा है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट है ना, और जैसे कि आपका ब्रिटिश पैटर्न होता है उसी पैटर्न पर यहाँ पर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम भी बेस्ड है। और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना बच्चों, इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, जैसे कि हमने आपको हर लेक्चर में बताया है, पिछले प्राइम मिनिस्टर वाले लेक्चर में भी बताया था। प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं ये भी बताया था कि वो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, मतलब मेन जो कर्ता धरता है, मेन जो काम करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो देखिए, ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का, ये डिटेल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत डिटेल से नहीं इसके बारे में दिया गया है, बट सिर्फ दो आर्टिकल्स, एक आर्टिकल नंबर 74 आपका और एक आपका आर्टिकल नंबर 75 है। इसके साथ में डील करते हैं, एक प्रॉपर तरीके से बताते हैं कि आखिरकार ये सिस्टम है क्या। तो आइए हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एक एक करके आर्टिकल्स को। तो सबसे पहला हमारा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है आर्टिकल नंबर 74, जो कि कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। तो देखिए क्या कह रहा है, सीधी सीधी बात ये कह रहा है ना, इस आर्टिकल्स की लाइन से ही आप समझ रहे होंगे कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ये प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलके, मतलब प्राइम मिनिस्टर इनके हेड होंगे, उनके नीचे ही आ जाएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जिनके हेड प्राइम मिनिस्टर हैं, ये एड करते हैं, एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को, है ना। ये प्रेसिडेंट वगैरह को जो है, प्रेसिडेंट को जो है वो अपनी एडवाइस वगैरह देते हैं कि आप किस तरीके से अपने फंक्शंस परफॉर्म करो, आप किस तरीके से जो है वो सिचुएशन को हैंडल करो, कैसे क्या करना है आपको। और इसी एडवाइस के हिसाब से बच्चों, जैसे ही ये लोग एडवाइस देते हैं उसी एडवाइस के बेसिस पे जो प्रेसिडेंट हैं वो काम करते हैं। लेकिन देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि प्रेसिडेंट कह दें कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आपकी एडवाइस हमें कुछ समझ नहीं आ रही है, आप एक बार फिर से इसको रिकंसिडर करो, समझो और इसमें कुछ चेंज करके दो हमको। तो उस हिसाब से प्रेसिडेंट कह सकते हैं, और ये भी हो सकता है फिर बाद में कि वो अपनी रिकंसिडरेशन करके फिर से एडवाइस प्रेसिडेंट के सामने रखें। और दूसरी बात ये कहता है कि देखिए, जो एडवाइस मिनिस्टर्स देते हैं प्रेसिडेंट को, है ना, इसको आप किसी भी कोर्ट में इंक्वायर नहीं कर सकते हो। ये बात समझिएगा, किसी भी कोर्ट में आप जाके इसकी इंक्वायरी या इसको इंक्वायर नहीं कर सकते हो। तो इतनी बात समझ में आपको आर्टिकल नंबर 74, जो कि आर्टिकल नंबर 74 जो बोलता है वही उसके अंदर है। फिर दूसरा आर्टिकल हमने क्या कहा था, आर्टिकल नंबर 75। तो आर्टिकल नंबर 75 में बाकी सारी अदर प्रोविजंस आती हैं एज टू मिनिस्टर्स, है ना। मिनिस्टर्स हैं तो क्या प्रोविजन इनको मिली हैं ये भी जानते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। आप जानते हैं, हमने प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था, हमने प्राइम मिनिस्टर वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और जो बाकी सारे मिनिस्टर्स होते हैं उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, है ना। बाकी सारे मिनिस्टर्स को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन एडवाइस यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर देते हैं कि भैया आप इनको अपॉइंट करो, आप इनको अपॉइंट करो, आप इनको अपॉइंट करो। बस खाली अपॉइंटमेंट का काम जो है वो प्रेसिडेंट का होता है। तो पहली बात इसके अंदर ये आती है आर्टिकल नंबर 75 के अंदर। दूसरी प्रोविजन ये आती है कि जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं प्राइम मिनिस्टर को मिला के, है ना, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, इस ये 15% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए। जो टोटल स्ट्रेंथ होगी लोकसभा की उस समय, जो भी जितने भी लोगों की स्ट्रेंथ होगी लोकसभा में, है ना, उसका जो 15% होगा उसके ऊपर नहीं जाने चाहिए ये प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। इस प्रोविजन को कब ऐड किया गया था, तो बच्चों इस प्रोविजन को 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंदर ऐड करा गया था। फिर इसके अंदर आर्टिकल नंबर 75 के अंदर ही तीसरी प्रोविजन ये है कि जो मेंबर होगा, चाहे वो किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का मेंबर हो, है ना, इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो राज्यसभा का हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हो, है ना, ऐसा अगर मेंबर डिसक्वालीफाई हो गया है इस ग्राउंड पे, ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन पे, है ना, तो यहाँ पे ये मिनिस्टर भी नहीं बन पाएगा। मतलब अगर मान लीजिए डिफेक्शन जानते हैं ना, 10th शेड्यूल के अंदर आता है एंटी डिफेक्शन लॉ वाला, तो अगर डिसक्वालीफाइड हुआ है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा टू बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर ऑल्सो।
इस प्रोविजन को कब ऐड करा गया था, इस प्रोविजन को 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 है ना, सेम टाइम पे इसको भी ऐड करा गया था। अब इसके अंदर चौथी प्रोविजन ये है कि जो मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पे ऑफिस को होल्ड करेंगे ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक के लिए प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक के लिए यहाँ पे मिनिस्टर्स ऑफिस को होल्ड करते हैं। इसके अंदर पांचवी जो प्रोविजन है वो ये है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को। आपने सुना ही होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, किसको होते हैं, लोकसभा को होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। सातवीं प्रोविजन इसके अंदर ये है, सॉरी छठी प्रोविजन ये है कि जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे एडमिनिस्टर करेंगे ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी टू मिनिस्टर। जो प्रेसिडेंट होते हैं ना हमारे, जो राष्ट्रपति हैं, ये यहाँ पे जो कसम खिलाएंगे, जो ओथ दिलाएंगे ऑफिस की और सीक्रेसी की, दोनों ही ओथ मिनिस्टर की ये खिलवाते हैं जो प्रेसिडेंट होते हैं। सातवीं प्रोविजन इसके अंदर ये आती है कि जो मिनिस्टर जो कि मेंबर नहीं होगा पार्लियामेंट का, किसी भी हाउस का, ना लोकसभा का मेंबर होगा और ना ही राज्यसभा का मेंबर होगा, ऐसा कोई मिनिस्टर जो कि लोकसभा का मेंबर भी नहीं है और राज्यसभा के मेंबर भी नहीं, का भी मेंबर नहीं है, वो यहाँ पे अगर मिनिस्टर बना दिया गया, सपोज करो ऐसा कोई मेंबर मिनिस्टर बना दिया गया जो कि मेंबर लोकसभा का भी नहीं है और राज्यसभा का भी नहीं है, तो उसको बच्चों यहाँ पे 6 महीने दिए जाते हैं कि आप अपनी मेंबरशिप ले लो, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, ठीक है। और अगर 6 महीने के भीतर अगर आप मेंबरशिप नहीं पाते हो तो आप मिनिस्टर की पोस्ट से हट जाओगे, आप सीज कर दोगे अपनी मिनिस्टरशिप जो है। और इसके अंदर आठवीं प्रोविजन बच्चों ये है कि जो सैलरीज होती हैं, जो अलाउंसेस होते हैं मिनिस्टर्स की, इन्हें पार्लियामेंट बताता है कि हम कितने पैसे देंगे। तो इतनी बात समझ में आई आर्टिकल नंबर 75 के बारे में। अब आर्टिकल नंबर 77 की बात करेंगे हम, जो कहता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 77 के अंदर भी कुछ प्रोविजंस है, आइए की करके डिस्कस करते हैं इन तीनों प्रोविजंस को। तो पहली प्रोविजन ये कहती है कि जो सारे ही एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इनको एक्सप्रेस करा जाता है टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। समझिए, जो भी काम हो रहा है, एक लॉ बना, लॉ बनने के बाद उसको एग्जीक्यूट करा गया, तो ऐसे कोई भी एक्शन, अगर कोई भी काम अगर सरकार कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, तो उसको किसके नाम पे किया जाता है, इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट के नाम पे काम होते हैं। दूसरी प्रोविजन इसके अंदर की ये कहती है कि जो ऑर्डर्स हैं या दूसरे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि प्रेसिडेंट के नाम पे आप कर रहे हो, इनको इस तरीके से करोगे, इस तरीके से ये ऑथेंटिकेट होंगे, इस तरीके से प्रॉपर अच्छे से किए जाएंगे, है ना, जैसा कि रूल्स वगैरह बनाए गए हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। जैसे जो भी प्रेसिडेंट रूल बनाएंगे उसी के हिसाब से इनको आप एग्जीक्यूट करोगे चीज़ों को, है ना। ये ऐसा ऑर्डर हो गया, इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट है ना, जो कि ऑथेंटिकेट है, इनको आप किसी भी ग्राउंड पे आप ये क्वेश्चन इस पे नहीं उठा सकते हो, है ना, कि जो है जो भी ऑर्डर एग्जीक्यूट करा गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, लॉ जो बना है प्रॉपर उससे जो एग्जीक्यूट हो रहा है ऑर्डर, है ना, तो आप इसको किसी भी ग्राउंड पे, कोल्ड वर्ल्ड पे, उस पे क्वेश्चन, इस पे सवाल नहीं उठा सकते हो। और तीसरी इसके अंदर प्रोविजन बहुत ही बढ़िया है, वो ये है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो रूल्स वगैरह बनाते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाते हैं, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हमारी जो सरकार है, वो बढ़िया से एकदम स्मूथली टनाटन होके काम करे, है ना, और दूसरे मिनिस्टर्स वगैरह को जो काम कहना है उसके लिए रूल, जो वो काम करेंगे बाकी सारे मिनिस्टर्स, है ना, उनके रूल्स प्रॉपर अच्छे से प्रेसिडेंट रूल बनाते हैं। तो आर्टिकल नंबर 77 के अंदर ये आता है, देखिए आप नाम से ही समझ सकते हैं, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को काम करना है, तो अभी एक चीज बना लीजिए दिमाग में बात कि इनके तीनों पॉइंट यही कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो एक बढ़िया चकाचक रूल बना के देते हैं, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम स्मूथली टनाटन होता रहे और आप इसको जो है वो इस पर क्वेश्चन नहीं उठा सकते। उसके बाद आर्टिकल नंबर 78 देखते हैं, कहता है प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज क्या होती है। तो देखिए हमने ड्यूटीज़ की तो बहुत सारी बात करी प्राइम मिनिस्टर की, लेकिन हम यहाँ पे तीन प्रोविजन को डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो पहली प्रोविजन बच्चों ये कहती है कि सारी ही बातें, सारी ही जो डिसीजंस होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स को लेके, यूनियन को लेके, प्रपोजल्स, एडमिनिस्ट्रेशन जो कि यूनियन का है और जो प्रपोजल्स हैं लेजिस्लेचर के लिए, उन सारे ही को प्रेसिडेंट तक पहुँचाना, पहली प्रोविजन ये कहती है। तो समझिए, ये मान लो भैया प्रेसिडेंट है, ये मान लो भैया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, तो ये एक तरीके से मिडिल मैन हो गए बीच के प्राइम मिनिस्टर। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो इनको बताया यूनियन को लेके, या कोई एडवाइस जो लेजिस्लेचर को लेके, इन्होंने प्रेसिडेंट को बताई ये बातें, ठीक है। तो ये एक तरीके से ये काम करते हैं।
दूसरा इनका क्या प्रोविजन है, ये क्या काम करते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर से रिलेटेड हो, यूनियन के या फिर प्रपोजल्स हो लेजिस्लेचर के, जैसा भी प्रेसिडेंट बुलाएंगे, जैसा भी प्रेसिडेंट देखेंगे, तो वहाँ पर ऐसी इन्फॉर्मेशन को वहाँ फर्निश करने ये चले जाएंगे। ठीक है, तीसरी बात इसके अंदर ये आती है कि अगर प्रेसिडेंट को ज़रूरत लगती है, अगर हमारे जो राष्ट्रपति साहब हैं उनको अगर ज़रूरत लगती है कि आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कंसिडरेशन लीजिए किसी भी मैटर को लेके जो कि मिनिस्टर ने डिसीजन लिया है ना, और काउंसिल से बेटर डिस्कस नहीं करा गया है, तो आप यहाँ पे ये काम भी बीच में यहाँ पे एक तरीके से मिडिल मैन का, ये जो प्राइम मिनिस्टर से होके काम जाएगा, प्रेसिडेंट का काम भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास जो है वो प्राइम मिनिस्टर से होके जाएगा। तो हमने प्राइम मिनिस्टर वाले चैप्टर में, पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज़ ये पढ़ी थी क्या क्या होती हैं, तो उसमें यहाँ पे हमने ये सारी बातें भी देखी थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे है आर्टिकल नंबर 88। ठीक है, आर्टिकल नंबर 88 कहता है राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एज रिस्पेक्ट्स द हाउसेस। ठीक है, राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एज रिस्पेक्ट द हाउसेस में क्या होता है कि हर एक मिनिस्टर जो होता है, जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनके पास ये हक होता है, ये राइट होता है ना, कि वो बोलें, है ना, कुछ मतलब पार्ट्स वगैरह लें जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें स्पीक करें, मतलब बोलें, अपनी बात रखें, पार्ट वगैरह लें प्रोसीडिंग्स में किसी भी हाउस की, है ना, लोकसभा की या राज्यसभा की, आप कैसे ले सकते हैं, किसी भी, आप कह सकते हो कोई भी ज्वाइंट सिटिंग अगर हाउसेस की हो रही है, कोई भी कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट की हो रही है जिसमें जो है इनका मेंबर के तौर पे नाम है, बट यहाँ पे ये वोट नहीं दे पाएंगे, है ना, मतलब ऐसा नहीं है, समझिए इनका कहने का मतलब ये है कि हर एक मिनिस्टर्स के पास राइट होता है कि वो बात तो कर सकते हैं, प्रोसीडिंग्स पे पार्ट भी ले सकते हैं किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट की, है ना, कोई भी ज्वाइंट सिटिंग हो रही है हाउस में तब भी, या कोई भी कमेटी है पार्लियामेंट की जिसमें इनका नाम मेंबर के तौर पे है, है ना, पार्ट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वोट नहीं कर पाएंगे, है ना, बट ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट। क्लियर हो गए बात, आगे बात करते हैं नेचर ऑफ एडवाइस बाय मिनिस्टर्स। नेचर ऑफ एडवाइस बाय मिनिस्टर्स में क्या होता है कि आर्टिकल नंबर 74 जो हमारा है ना बच्चों, इसमें क्या होता है कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसमें क्या है, इसमें ये है ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या दिया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ पे प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कौन है, हेड है प्राइम मिनिस्टर। तो ये वाली बात होती है, और हुआ क्या कि यहाँ पे 42nd और 44th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आए, बहुत ही फेमस थे, आप जानते हो 42nd वाला आया था 1976 में, और 44th वाला था, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आया था 1978 में। तो इसमें इस सारे अमेंडमेंट में क्या हुआ था, इसमें एडवाइस बाइंडिंग कर दी थी प्रेसिडेंट के ऊपर कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं जो एडवाइस देंगे प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्रेसिडेंट को, है ना, तो वो बाइंडिंग है उनके ऊपर कि जो भी एडवाइस देंगे वो उनको अमल करनी पड़ेगी, है ना। बाद में क्या हुआ कि जो नेचर थी, जो नेचर था एडवाइस का, है ना, जो कि मिनिस्टर दे रहे थे प्रेसिडेंट को, आप किसी भी कोर्ट में इसको इंक्वायर भी नहीं कर सकते हो, ये भी बात हो गई, है ना। तो इसमें आप समझ रहे हो, तो इसमें आप देख रहे होगी बहुत ही कॉन्फिडेंशियल, बहुत ही ज़्यादा ऐसा था कि मतलब इस चक्कर में चीज़ें थी कि बस बात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच में रहे, कहीं इधर उधर जाए नहीं। लेकिन फिर कहानी आगे बढ़ी और फिर कुछ और चीज़ें आई कि भाई 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इवन जो लोकसभा का रेजोल्यूशन है उसमें भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो अपना ऑफिस नहीं छोड़ेंगे, ये बात कही गई थी 1971 में। और आर्टिकल नंबर 74 की बताऊं तो ये काफी जरूरी है, एंड प्रेसिडेंट जो है वो अपना एग्जीक्यूटिव पावर नहीं एक्सरसाइज कर सकते, अगर वो कोई काम कर रहे हैं, कोई एग्जीक्यूटिव पावर अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जब तक के लिए प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस नहीं ले लेंगे बच्चों, तब तक के लिए वो अपना काम, अपने जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसे एक्सरसाइज नहीं कर सकते, है ना। अगर मान लीजिए कोई भी काम प्रेसिडेंट ने किया जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की उन्होंने एडवाइस नहीं ली, है ना, कुछ ऐसा करा कि भाई इन्होंने कोई भी अपना काम करा लेकिन उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस नहीं ली, तो ऐसा एग्जीक्यूटिव जो पावर उन्होंने एक्सरसाइज करी है ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने वाली बात हो जाएगी और ये अनकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगी, है ना। और ये वायलेट किसको कर रही है, आर्टिकल नंबर 74 को। ठीक है, तो ये बात तो 71 में सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। फिर आगे हुआ क्या था कि 74 आया, 1974 में कोर्ट ने कहा कि जहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि उसको ज़रूरत होगी कि प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन ज़रूरी है, समझे, कि मतलब ऐसी कोई बात, सपरीजिए कोई ऐसा डिसीजन है जिसमें ये बात हुई है कि अगर प्रेसिडेंट यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएंगे तो हम ये बात मान लेंगे,
तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होती है तो सेटिस्फैक्शन का मतलब सिर्फ प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन से नहीं होगा, बट साथ ही साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी सेटिस्फाई होना पड़ेगा, जिनकी एडवाइस से प्रेसिडेंट अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं। तो समझ रहे हैं, तो एक तरीके से समझ लीजिए कोई भी अगर काम हो रहा है तो उसमें प्रेसिडेंट के साथ साथ जुड़े हुए हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस से ही प्रेसिडेंट जो है वो अपना डिसीजन लेते हैं। तो ये बात यहाँ पे समझिएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के यहाँ बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार और पढ़ लें कि हमारे प्रधानमंत्री को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, भाई सेम बात है ना, और बाकी मिनिस्टर्स को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन इसमें एडवाइस किसकी लगती है बच्चों? प्राइम मिनिस्टर की। मतलब प्राइम मिनिस्टर को तो प्रेसिडेंट ने एडवाइस प्राइम मिनिस्टर को तो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करा ही करा, अब बाकी सारे मिनिस्टर्स को भी प्रेसिडेंट ने ही अपॉइंट करा, लेकिन किससे? यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि आप किसको अपॉइंट करो, ठीक है? तो इसका मतलब प्रेसिडेंट सिर्फ अपॉइंट करने का इनका काम हो गया, जो कि रिकमेंड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। अब ज़्यादातर क्या होता है कि जो एमपी होते हैं, एमपी का मतलब बच्चों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के हों, पार्लियामेंट में जानते हैं दोनों हाउस आते हैं, लोकसभा भी आता है और राज्यसभा भी आता है, दोनों ही हाउस आते हैं। तो जो एमपी होते हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, किसी भी हाउस के होते हैं, इनको अपॉइंट कर लिया जाता है मिनिस्टर्स के तौर पर, है ना, यूजुअली ऐसा होता है। अब ऐसा हो गया, मान लीजिए कि कोई मिनिस्टर बन गया, लेकिन यहाँ पे वो एमपी नहीं है, मतलब लोकसभा का जो है वो मेंबर भी नहीं है, राज्यसभा का मेंबर भी नहीं है, तो ऐसे बंदे को आप मिनिस्टर तो बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इसको मेंबर बनना होगा 6 महीने के भीतर, है ना, 6 महीने के भीतर इलेक्शन में बनना होगा, तो उन्होंने अपना इसको हाउस से अपनी सीट खोनी पड़ेगी। इतनी बात समझ में आई? और मेंबर बनना होगा चाहे इलेक्शन से बने चाहे नॉमिनेशन से बने, बस मेंबर ज़रूर बनना होगा। और इसके अंदर तीसरी बात अपॉइंटमेंट में यह आती है, मिनिस्टर जो भी जो एक मेंबर होता है किसी एक हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का, अभी एक बात तो हमने पीछे आपको बताई दी कि मान लीजिए कोई ऐसा मेंबर है कि कोई लोकसभा का मेंबर है, ठीक है, कोई बंदा है जो कि लोकसभा का मेंबर है, तो वो यहाँ पे बोल सकता है, पार्ट ले सकता है प्रोसीडिंग्स में राज्यसभा में भी, ठीक है, दूसरे हाउस में भी, ऑल्टरनेटिव हाउस में भी ले सकता है, बट ये वोट सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में कर पाएगा। तो जिस हाउस का वो मेंबर है वहीं पे ही वोट कर पाएगा। सपोज करिए यही बात राज्यसभा पे रख दीजिए तो ये लोकसभा में नहीं कर पाएंगे, है ना, तो जिस हाउस का मेंबर है उसी हाउस में वोट कर सकता है, लेकिन हाँ प्रोसीडिंग्स में पार्ट लेना या बोलना ये सब दूसरे हाउस के साथ कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब आगे बात करेंगे ओथ वगैरह के बारे में, सैलरी वगैरह क्या होती है मिनिस्टर्स की, उस बारे में। तो देखिए ऑफिस में आने से पहले आप जानते हैं हर एक चाहे जो भी हो, जो भी ऑफिशियल हो, यहाँ पे ओथ तो ज़रूर लेता है, और ये प्रेसिडेंट के सामने ओथ ली जाती है। ओथ दो तरीके की होती है, जैसे आपका प्राइम मिनिस्टर वाली होती है, जैसे यहाँ पे एक होती है ओथ ऑफिस की, ओथ ऑफ ऑफिस, और एक होती है ओथ ऑफ सीक्रेसी, ठीक है। तो ओथ ऑफ ऑफिस में मिनिस्टर क्या क्या कस्में खाते हैं? मिनिस्टर कहते हैं, पहली बात तो ये कहते हैं कि टू बियर फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो सुप्रीम है ये, तो उसमें हम फेथ रखेंगे, हम एलिजेंस रखेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। दूसरी ओथ में क्या कसम खाते हैं लोग? कहते हैं टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया हमारा आज़ाद है, हम भाईचारा बना के प्रॉपर इसमें इंडिया को पहले रखेंगे, इंडिया के साथ हित में काम करेंगे। तीसरी ओथ ये लोग ये खाते हैं टू फेथफुली एंड कंसाइशनली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। मैं बहुत ही फेथफुली, बहुत ही सोच समझ के अच्छे से अपनी जो भी मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, अपनी ड्यूटीज जो परफॉर्म करूँगा वो अच्छे से करूँगा। और चौथी ये कसम खाते हैं कि टू डू राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ विदाउट फियर और फेवर, अफेक्शन और इल विल। मतलब मैं सबके साथ अच्छा काम करूंगा, है ना, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उस हिसाब से काम करूंगा, बिना डरे, बिना किसी को फेवर करे मैं काम करूंगा, कोई भी अपने मन में दुर्भावना नहीं लेकर आऊंगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो ओथ ऑफ ऑफिस में तो उन्होंने 4 तरह की ओथ ली। उसके बाद अपनी ओथ ऑफ सीक्रेसी में ये लोग कहते हैं, मिनिस्टर ये कसम खाते हैं कि मैं ना ही डायरेक्टली, है ना, ना ही मैं डायरेक्टली और ना ही मैं इनडायरेक्टली कोई भी चीज़ को इधर से उधर अपने बातों को नहीं करूँगा, ठीक है, और ना ही कोई पर्सन को कोई भी मैटर बताऊँगा जो कि हमारे सामने आया है यूनियन मिनिस्टर के तौर पे। तो मतलब कोई अगर ऐसी छुपाने वाली बात है, कोई हमारे ऑफिस को लेके कोई सीक्रेट बात है, तो मैं सबको इधर उधर नहीं गाऊँगा, है ना, सिर्फ अगर ऐसा हो गया कि मतलब मुझे कोई ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है, उन बातों को बताना ही है ताकि मैं अपना कर्म कर सकूँ, उस प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ा सकूँ, तभी मैं बताऊंगा, अदरवाइज मैं कम्युनिकेट कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन इधर से उधर नहीं करूंगा। इतनी बात समझ में आ गई?
तो बस इसमें ऐसा होता है कि भाई कुछ चीज़ें हैं जो लक्ष्मीकांत में दी हैं, आइए एक दो स्टोरी आपको सुना ही देते हैं। ये बात कुछ 1990 की थी। 1990 में क्या हुआ कि देवीलाल ने कसम खाई, ये जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, है ना, इनकी जो ओथ थी इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया, है ना। क्योंकि हुआ क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर की ओथ के बारे में लिखा हुआ था, ये तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, तो इन्होंने कैसे खा ली। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने ओथ को बाद में वैलिड बताया और ये बात कही कि जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, है ना, तो ये भी जो है ये डिस्क्रिप्टिव है, बट डिस्क्रिप्शन जो है वो आप ये नहीं कह सकते कि पावर इनकी प्राइम मिनिस्टर से बराबर है नहीं है, ये नहीं पता, है ना। मतलब बेसिकली इनका कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी बात नहीं है कि ओथ वगैरह उनके द्वारा जो ली गई है वो ऐसा कुछ ओथ गलत है ना, या ऐसा कुछ है। वो यही तो कह रहे हैं ना कि भाई हम अच्छे अपने तरीके से ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे, इंडिया को अच्छे से रखेंगे, अगर मैं अपना कोई काम कर रहा हूँ तो सीक्रेट रखूंगा, तो ये सब बात है, तो इसलिए वो इनकी करेक्ट है, इन्होंने बाद में बताया। लेकिन ये प्रॉब्लम अराइज हुई थी कुछ 1990 में, वो जो देवीलाल जी की थी एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। अब आगे अगर हम आगे बताएं, वो तो हमने देख लिया, हम पैसे के बिना क्या ही होता है, तो हम सैलरी की बातें आपको बताएं। तो क्या सैलरी है, तो सैलरी इनकी हमेशा मैं आपको बताऊं वही सेम है। मिनिस्टर की सैलरी पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है वक्त के साथ साथ, जैसा भी टाइम बदला भी करती है। और जो मिनिस्टर जो कि सैलरी पाता है, जो अलाउंसेस पाता है ना, ये वही पाता है जो एक एमपी को मिलती है। एमपी मतलब जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलती है, सेम सैलरी और अलाउंसेस इनको भी मिलती हैं। बदले में इनको कुछ रैंक के हिसाब से, जिस हिसाब की मिनिस्टर की रैंक है उस हिसाब से इनको कुछ सेंचुरी अलाउंस मिलती है ना, कुछ फ्री अकोमोडेशन मिलता है, फ्री में रहिए, आराम से ट्रैवल करिए, तब इतना ट्रैवल करते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह, है ना, और ये सारी चीज़ें इनको मिला करती हैं, बहुत सारे इनको फ़ायदे मिलते हैं। ठीक है, कई बार रेज भी हुई हैं सैलरीज वगैरह। आगे बात करेंगे, आगे बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मिनिस्टर्स की। अब तो हमने अभी तक तो यही सारी बातें करी पैसे रुपए को लेके, अब भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उस बारे में बात करेंगे। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव मतलब सब साथ में रिस्पॉन्सिबल हैं। तो देखिए, तो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है ना, ये आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम का, गवर्नमेंट का, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब एक साथ रिस्पॉन्सिबल होंगे, है ना। तो आर्टिकल हमारा जो हमने अभी बात करी थी पहले, 75 का आर्टिकल, ये साफ बात कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसको हैं, लोकसभा को हैं, है ना। मतलब मिनिस्टर्स जो है, सारे मिनिस्टर्स के एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी काम धर्म कर रहे हैं, वो लोकसभा को जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल हैं, एक टीम के तौर पे काम करते हैं। और एक बहुत ही फेमस इनके नाम पे लाइन भी है कि दे स्विम एंड सिंक टुगेदर, तैरेंगे भी साथ डूबेंगे भी साथ, है ना, एक मतलब टीम के तौर पे काम करते हैं यहाँ पे। और जब लोकसभा में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है ना, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट हो, तो सारे ही मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, है ना, जो आपके राज्यसभा से हैं वो भी मिनिस्टर्स को, सबको जो है यहाँ पे रिजाइन करना पड़ेगा। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट को एडवाइस भी कर सकते हैं कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दो, है ना, क्योंकि भैया प्रॉपर व्यूज नहीं है, प्रॉपर इलेक्टोरेट नहीं है, है ना, और फ्रेश इलेक्शन आप लेकर आओ। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही यहाँ पे प्रेसिडेंट को इस बात के लिए भी एडवाइस कर सकते हैं, है ना। और अगर मान लीजिए नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, तो प्रेसिडेंट यहाँ पे सरकार भी खत्म कर देंगे, तो ऐसा होता है। तो मतलब ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, ये मेन बात है, याद रखिएगा। और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये भी होता है कि जो भी कैबिनेट के डिसीजंस होते हैं ना बच्चों, ये सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स पे और दूसरे मिनिस्टर्स पे बाइंडिंग होते हैं, है ना। इफ दे डिफर्ड इन द कैबिनेट मीटिंग, द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो मीन्स दैट द कैबिनेट डिसीजन बाइंड ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स इवन इफ दे डिफर्ड इन द कैबिनेट मीटिंग। और जो है आपका, ये हर एक मिनिस्टर की ये ड्यूटी है, जो भी मिनिस्टर है उसकी हर एक ड्यूटी है कि वो कैबिनेट के डिसीजन के साथ खड़ा हो, कैबिनेट के डिसीजन को सपोर्ट करे, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो, चाहे वो पार्लियामेंट के बाहर हो, कैबिनेट के डिसीजन को सपोर्ट करे, है ना। और अगर ऐसा कोई मिनिस्टर्स खड़ा हो जाता है जो कहता है नहीं मैं तो इसको सपोर्ट नहीं करता, है ना, ये तो डिसएग्री करता हूँ, ये बात तो गलत है ना, तो इसको रिजाइन करना पड़ेगा, है ना। और ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस के चलते ना, बहुत सारे पास्ट में मिनिस्टर्स जो है वो रिज़ाइन भी करे थे, है ना। और अगर मैं बताऊँ, बहुत ही फेमस हमारे डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भी रिज़ाइन करा था, क्योंकि इनके डिफरेंसेस थे इनके कलीग्स के साथ में, हिंदू कोड बिल को लेके 1953 के, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग रिज़ाइन भी करे थे,
दूसरी बात, इसके अंदर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमने बात करी इनकी होती है, दूसरी इनकी भाई इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। ऐसा नहीं है सिर्फ कलेक्टिव है, इंडिविजुअल भी है। तो देखिए आर्टिकल नंबर 75 में इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात भी कही गई है। इन्होंने कहा है कि मिनिस्टर्स जो है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर के अंदर ऑफिस को अपने होल्ड करते हैं, मतलब प्रेसिडेंट जी जो हैं जब चाहें तब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को यहाँ पे हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, है ना। और जब तक के लिए ही करेंगे तब तक, मतलब जब तक के लिए ही रहेंगे तब तक के लिए ये आपका इनको जो है वो कॉन्फिडेंस है लोकसभा में, जब तक के लिए कॉन्फिडेंस है तब तक के लिए ये रहेंगे, अदरवाइज नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया तो प्रेसिडेंट जी जो है उनको हटा देंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, है ना। और ऐसे अब अगर ऐसे ही हटाने की बात करी जाए तो ऐसे फ्री में भी नहीं हटा देते कि बस जब मनाया तब को हटा दिया। इसमें जब प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं ज़्यादातर तभी ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट मिनिस्टर को हटाते हैं। अब मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाए कि मिनिस्टर साहब जो हैं उनके कुछ सोच में कुछ डिफरेंसेस हों प्राइम मिनिस्टर के साथ में, तब भी प्राइम मिनिस्टर उनसे कह देंगे कि प्रेसिडेंट से कहेंगे कि सुनो भैया ये ज़्यादा काबिल बन रहा है और तुम इन मतलब आप इनको हटा दीजिए, है ना। तो ये भी प्रेसिडेंट इनकी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे इनको हटा सकते हैं, समझ रहे हो आप। तो मतलब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप समझ के कुछ हमारे अम्बेडकर साहब ने एक बात कही थी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन अचीव ओनली थ्रू द इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, देयरफॉर अनलेस एंड अंटिल वी क्रिएट दैट ऑफिस एंड एंडाउ द ऑफिस विद स्टैचुरी अथॉरिटी टू नॉमिनेट एंड डिसमिस मिनिस्टर्स देयर कैन बी नो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो अब थर्ड यहाँ पे हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स में, नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है कि ब्रिटेन में क्या हुआ था कि ब्रिटेन में होता क्या है कि जो भी किंग का ऑर्डर होता है, जो भी राजा होता है वहाँ का, उसका जो ऑर्डर होता है किसी भी पब्लिक एक्ट को लेके, इसे मिनिस्टर्स काउंटर साइन करते हैं, है ना। अगर ऑर्डर ऑर्डर जो है वो कोई भी लॉ वायलेट कर रहा है ना, तो अगर कोई भी ऐसा ऑर्डर निकल के आया है जो कोई लॉ को वायलेट कर रहा है तो क्या होगा, क्या कि जो मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होंगे, है ना। मिनिस्टर्स पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होंगे और कोर्ट में इनको लायबल करा जाएगा, है ना, कि मतलब आपने ये साइन क्यों करा। और तो मतलब समझ जाओ, तो वहां पे भी बात कहते नहीं है, ब्रिटेन में आपने सुना होगा द किंग कैन डू नो रॉन्ग, राजा कभी गलत नहीं कर सकता, है ना। और किसी भी कोर्ट में आप उसको सजा भी नहीं दे सकते हो। तो मतलब राजा ने कोई भी ऑर्डर निकाला, किंग ने कोई भी ऑर्डर निकाला, साइन उसे सारे जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने करा, और अगर कोई दिक्कत क्रिएट होती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि आप मिनिस्टर की कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ऐसा नहीं है। और इंडिया में क्या है कि जो ऑर्डर होगा प्रेसिडेंट का पब्लिक एक्ट का, इसे काउंटर साइड मिनिस्टर करते तो हैं, बट यहाँ पे कोर्ट पे रोक लगाई गई है कि मिनिस्टर को आप जो है जो भी एडवाइस वगैरह दे रहे हैं मिनिस्टर्स, आप उनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते हैं। क्लियर है। आगे बात करें, आगे बात करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन कौन मिल के जुल के बनते हैं इस बारे में जानेंगे। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी बच्चों देखो तीन कैटेगरी होती हैं, ठीक है, तीन कैटेगरी होती हैं। इसमें एक आपके आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, ध्यान से समझिएगा, एक आपके आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरे जो आपके आते हैं वो आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और तीसरे जो आपके आते हैं वो आते हैं आपके डिप्टी मिनिस्टर। फिर समझिए, तीन तरह के इसमें आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, एक नहीं आते हैं, तीन आते हैं। पहले होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरे होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और तीसरे होते हैं बच्चों डिप्टी मिनिस्टर। डिफरेंस इनमें जो है वो इनकी रैंक के हिसाब से, इनके पैसे वैसे मतलब इनकी जो इम्यूलमेंट्स मिलती हैं उनके हिसाब से होता है, और इनको पॉलिटिकली कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है उसके हिसाब से होता है। और इन तीनों के ऊपर सबसे ऊपर कौन आते हैं, सबसे ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, है ना। प्राइम मिनिस्टर कौन है, सुप्रीम गवर्निंग अथॉरिटी है कंट्री के, तो मतलब मोटा मोटा हक पूरा प्राइम मिनिस्टर का है। तो देखिए कैबिनेट मिनिस्टर के जो हेड करते हैं जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ वगैरह हों, है ना, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर ही जो है वो सिर्फ और सिर्फ उनके हेड बनते हैं। जैसे आप ले लो, आप होम मिनिस्टर हो गए ना, होम वाला डिफेंस वाला मामला हो गया, या फाइनेंस वाला मामला हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स का हो गया, तो ये सब बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ हो गई ना, जो इनको कैबिनेट मिनिस्टर ही हेड करेंगे, है ना। मीटिंग वगैरह करते हैं, पॉलिसी वगैरह बनाते हैं प्रॉपर, है ना। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट की चीज़ें हैं जहाँ तक पूरी फैली होती हैं। और जो मिनिस्टर्स हैं ना यहाँ पे, इनको आप इंडिपेंडेंट चार्ज भी दे सकते हो,
मतलब समझ रहे हो, आप मिनिस्टर्स को इंडिपेंडेंट चार्ज भी दे सकते हो, या डिपार्टमेंट जो भी अटैच हैं उनसे आप इंडिपेंडेंट भी चार्ज दे सकते हो, और आपके डिपार्टमेंट्स को या फिर अटैच कर सकते हो कैबिनेट मिनिस्ट्रीज से भी। तो ये सारा काम यहाँ पे हो सकता है मिनिस्टर्स के द्वारा। अगर मान लीजिए अटैचमेंट वगैरह है किसी, तो यहाँ पे चार्ज आप डिपार्टमेंट वगैरह का दे दो, मिनिस्ट्री को दे दो, कैबिनेट मिनिस्टर को दे दो, या इसको आप कुछ आइटम्स वगैरह दे दो आप, है ना, जिसे कैबिनेट मिनिस्टर हेड कर रहे हो। तो बेसिकली इनके अंदर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसके अंदर कुछ भी आप दे सकते हो इनके अंदर, है ना। तो कैबिनेट मिनिस्टर इनको हेड करते हैं, ये सारी बातें हमने पढ़ ली। और उसके बाद सबसे पहले हमने कैबिनेट मिनिस्टर की बात करी, ठीक है। तो इनमें सबसे ऊपर कौन आए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। उसके बाद रैंक में जो सेकंड नंबर पे आते हैं वो आते हैं आपके डिप्टी मिनिस्टर्स, ठीक है। तो डिप्टी मिनिस्टर्स जो है इनको इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाता, इनको कैबिनेट मिनिस्टर के साथ ही लगाया जाता है, या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट के साथ ही लगाया जाता है। एक बार और आपको क्लियरली समझा दें ताकि आपको एकदम भी कंफ्यूजन ना हो। तो देखो समझो, तीन रैंक की हमने बताई यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको कौन सी बताई रैंक, आपको बताई कैबिनेट मिनिस्टर की। उसके बाद आपको कौन सी रैंक बताई, आपको बताई मिनिस्टर ऑफ स्टेट की। और तीसरी रैंक आपको बताई डिप्टी मिनिस्टर की, ठीक है। तीन रैंक की आपको बताई। तो सबसे पहले जो हेड वाली रैंक बताऊं तो कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक है सबसे पहले वाली। तो इसमें क्या है, जैसे कि अभी आप देख लो ना कि निर्मला सीतारमन जी हो गई, सारी हेड रैंक हो गए ना, कि मतलब डिफेंस वाले राजनाथ सिंह हो गए, अमित शाह हो गया, तो डिफेंस हो गया आपका, होम हो गया आपका, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, तो बड़े वाले सारे आ गए। तो बड़े वाले सारे में क्या होता है कि ये मीटिंग्स वगैरह आएंगे, इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद हमने क्या बात करी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट आएंगे उसके बाद रैंक में, क्लियर है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट में क्या है, या इनको इंडिपेंडेंट चार्ज है दो मिनिस्ट्रीज का, कि एक मिनिस्ट्रीज इनको पूरी तरीके से पकड़ा दो, है ना, या डिपार्टमेंट पूरी तरीके से इनको जो पकड़ा दो, या फिर इनको ऊपर वाले इनके जो कैबिनेट मिनिस्टर है इनके साथ अटैच कर दो, समझ रहे हो आप। अब मान लीजिए अटैचमेंट कर दिया इनका कैबिनेट मिनिस्टर के साथ में, तो अब कैबिनेट मिनिस्टर के साथ अटैचमेंट करके भी इनको भाई डिपार्टमेंट का किसी इंडिपेंडेंट चार्ज मिल सकता है, मिनिस्ट्रीज का मिल सकता है, लेकिन उसे हेड कौन कर रहे होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर ही हेड कर रहे होंगे, है ना। तो ऐसा होता है, बस उसके नीचे कौन आ जाते हैं, फिर उसके नीचे डिप्टी मिनिस्टर आ जाते हैं। इनको इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाता, है ना, इनको कैबिनेट मिनिस्टर के साथ या तो अटैच करते हैं, या तो फिर सेकंड वाली रैंक जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उनके साथ अटैच करते हैं, समझ रहे हैं। तो मतलब बेसिकली यही है, तीन लाइन से इनके तीनों की बातें हैं। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि एक और कैटेगरी होती है मिनिस्टर की, जिसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। तो ये मेंबर्स होते हैं, लास्ट कैटेगरी होती है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, और हम लोग इनको मिनिस्ट्री भी बोलते हैं। और ऐसा इनके अंदर कोई डिपार्टमेंट नहीं आता, कोई भी कंट्रोल डिपार्टमेंट इनके अंदर नहीं आता, इनको सीनियर जो इनके ऊपर वाले मिनिस्टर्स हैं इन्हीं के साथ इनको अटैच अटैच कर दिया जाता है, और ये अपना काम करते रहते हैं, है ना। कोई भी 1967 के बाद मैं बताऊं तो कोई भी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं हुआ है। सिर्फ आपका जो पहला स्टार्टिंग में राजीव गांधी की सरकार आई थी बहुत ही समय हुआ था जो हुआ था। अभी समझिएगा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना बच्चों, इनमें आपका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी इंक्लूड हो सकते हैं। और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो मोस्टली अगर मैं बताऊं तो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से अपॉइंट करे जाते हैं, कि भाई कभी कभी ऐसा होता है ना कि जनता को कोई पसंद होता है, पार्टी को कोई पसंद होता है, तो अब ये लोग क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं कि भैया एक जो है वो बना दो प्राइम मिनिस्टर, एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दो, तो भाई दोनों की ही हो। जैसे यूपी की बात करो तो यूपी में क्या हुआ था कि भाई दो और कैंडिडेट थे जिनको पसंद कराया जाता था पब्लिक के द्वारा, तो यहाँ पे योगी जी को जो है वो सीएम बनाया गया और दो डिप्टी सीएम बना दिए गए ताकि पब्लिक को भी प्लीज करे, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद जो हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं वो हम कैबिनेट वर्सेस काउंसिल के डिफरेंस के बारे में हम बात करेंगे, कैबिनेट और काउंसिल के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो आइए कुछ बात करें, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, यहाँ पे कैबिनेट है। तो डिफरेंसेस पहला अगर हम यहाँ पे बताएं तो देखिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना मेरे बच्चों, वो काफी बड़ी बॉडी है, काफी वाइडर बॉडी है, इसमें करीब आपको 60 से 70 मेंबर मिलेंगे। कैबिनेट और छोटी कर दी जाती है और इसमें 15 से 20 ही मिनिस्टर्स आपको मिलेंगे। मतलब यहाँ पे 60 से 70 मिनिस्टर मिलेंगे, यहाँ पे आपको 15 से 20 मिलेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इसके अंदर आते होंगे, इसके अंदर आते होंगे, आइए हम समझाते हैं। तो देखिए इसमें आपके तीनों कैटेगरी आती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, जो मैंने आपको पीछे समझाई तीनों ही कैटेगरी आएंगी बच्चों। पहले वाले मैंने आपको बताया कि कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं, दूसरे वाले मिनिस्टर ऑफ स्टेट आते हैं, और तीसरे वाले क्या है, डिप्टी मिनिस्टर्स आते हैं। लेकिन अगर कैबिनेट से क्या लगता है, कैबिनेट के अंदर सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं, तो ये पार्ट किसका हुआ, ये पार्ट हुआ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का,
है ना, इसमें तीनों आ रहे हैं, तो ये इसके अंदर आया ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर आया कैबिनेट। फिर तो कैबिनेट में तो खाली कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं। अब अगर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थर्ड बात करें तो देखिए ये यहाँ पे मिलती नहीं है, डज नॉट मीट, है ना, एक बॉडी के तौर पे नहीं मिलती है कि गवर्नमेंट वगैरह को ट्रांजिशन वगैरह करने के लिए, इसमें कोई भी कलेक्टिव फंक्शंस नहीं है। लेकिन अगर हम कैबिनेट की बात करें तो ये एक बॉडी के तौर पे मिलती हैं और फ्रीक्वेंटली मिलती है, मतलब फटाफट अगर मैं बताऊँ तो एक हफ्ते में एक बार तो मिलती हैं, क्योंकि कई सारे डिसीजन लेने होते हैं गवर्नमेंट के बिजनेस के टाइम टू टाइम, और इनके कलेक्टिव फंक्शंस हैं, ठीक है। और इनके पास सारी पावर तो है, पावर तो इनके पास बहुत सारी है, बट इनके पास सारी पावर थ्योरी में है, है ना, लिखित में है। लेकिन अगर मेन काम करने की बात करें, एक्ट की बात करें, एक्सरसाइज की बात करें पावरों की, तो वो कैबिनेट करती है। उसके बाद इनका फंक्शंस वगैरह कैबिनेट डिटरमाइन करती है ना, ये जो इनके इट्स फंक्शंस आर डिटरमाइंड बाय द कैबिनेट, वही जगह इट डायरेक्ट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय टेकिंग पॉलिसी डिसीजन विच आर बाइंडिंग ऑन ऑल मिनिस्टर्स, ठीक है। ये डायरेक्ट करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कि जो कैसे आपको डिसीजन जो भी लेने हैं क्या करना है, और ये मिनिस्टर्स के ऊपर इनकी एडवाइस बाइंडिंग होती है, और ये इंप्लीमेंट करती है जो भी एडवाइस देती है कैबिनेट। और यहाँ पे कैबिनेट क्या करती है, सुपरवाइज करती है कि कैसे हमें डिसीजन लेनी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है ना बच्चों, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को, मतलब लोकसभा को, लोकसभा को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर मैं कैबिनेट की बात कराऊं तो इनकी कलेक्टिवली, ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, इट इन्फोर्सेज द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ऐसी यहाँ पे हमने डिफरेंसेस की बात करी। फिर हम आगे बात करें तो हम कुछ बात कर लें कि रोल आखिरकार क्या है, कैबिनेट का रोल क्या होता है। तो कैबिनेट के रोल में एक बात आपको बताएं तो ये एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, सुप्रीम, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, जो पूरा सिस्टम चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का, इसमें हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। दूसरी बात, जो चीफ पॉलिसी है, ये इट इज़ अ चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जो कैबिनेट है आप समझ रहे हो, छोटी सी है लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा चीफ जो है, जो मेन जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है वो कैबिनेट के द्वारा करा जाता है। फिर तीसरी बात अगर मैं बताऊं तो ये सुप्रीम एग्जीक्यूटिव, ये देखिए सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ रहे होंगे कितनी ऊपर है। ये एक चीफ कोऑर्डिनेटर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, मतलब जितनी तारीफें हैं सब इनकी कर दीजिए आप। और एडवाइसरी बॉडी है, एडवाइसरी बॉडी है प्रेसिडेंट को, और इतनी इंपॉर्टेंट है तो ऑब्वियस ही बात है इसकी एडवाइस जो है वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग भी होगी, है ना, कि मतलब इन्होंने जो एडवाइस दी है वो प्रेसिडेंट यहाँ पे लागू करेंगे ही करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो सबसे ज़्यादा चीफ जो क्राइसिस मैनेजर है, जो मतलब ये मैनेजमेंट करेंगी, वो कैबिनेट ही करेगी, है ना। बहुत सारे लेजिस्लेटिव या फाइनेंशियल मैटर्स को भी यही डील करती हैं, इनमें अपॉइंटमेंट भी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटीज़ का, सीनियर सेक्रेटरियट एडमिनिस्ट्रेशन का, ये पूरा कंट्रोल यही देखती हैं, है ना। फॉरेन पॉलिसी हो गई, फॉरेन अफेयर्स हो गए, वो सारी चीज़ें कैबिनेट के हाथ में है। तो कैबिनेट की आप इंपॉर्टेंस देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कुछ रोल डिस्क्रिप्शन आपको बता दूं कि कई सारे कमेंट्स करे गए हैं बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट के द्वारा, तो एक 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 दो मैं आपको समझा देती हूं। जैसे कि बार्कर ने बोला था, द कैबिनेट इज अ मैग्नेट ऑफ पॉलिसी, है ना, तो मतलब आप समझो कि मतलब मेन जो पॉलिसी है वो यहाँ पे कैबिनेट ही की है, तो कैबिनेट कितनी इंपॉर्टेंस, इट इज अ मैग्नेट ऑफ पॉलिसी। आपके जो रामसे म्यूर थे उन्होंने कहा था कैबिनेट इज द स्टीयरिंग व्हील ऑफ द शिप ऑफ अ स्टेट, है ना, तो ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका जो लोवेल थे, लोवेल ने कहा था द कैबिनेट इज द की स्टोन ऑफ द पॉलिटिकल आर्क, तो कितनी इंपॉर्टेंस दी गई है कैबिनेट को बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट के द्वारा था द्वारा भी। और जो हमारी जो पोजीशन है कैबिनेट की ब्रिटिश गवर्नमेंट में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी स्ट्रांग है ना, कि जो राम से म्यूर ने इनको डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट बोला था अपनी बुक में, कि हाउ ब्रिटेन इज गवर्न, इन्होंने कई सारी बातें उसमें लिखी भी थी। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे कैबिनेट की। उसके बाद ये किचन कैबिनेट एक होती है, ये ज़रा देखिएगा और इस बारे में सुनिएगा, अक्सर क्वेश्चन इस बारे में अच्छे से आता है। तो समझिए कि जो कैबिनेट होती है ना, एक छोटी सी बॉडी होती है, मैंने आपको बताया, जिसमें आपके प्राइम मिनिस्टर हैं उसके हेड होते हैं, है ना, प्राइम मिनिस्टर तो हेड होते हैं ना कैबिनेट के। और मैंने आपको पीछे बताया कि 15 से 20 मेंबर होते हैं इसके, काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होते हैं, है ना, और फटाफट जो है वो डिसीजन लेते हैं, हाई डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। हालांकि इससे भी छोटी एक बॉडी होती है जिसे बोलते हैं इनर कैबिनेट, इनर कैबिनेट और या फिर हम कहते हैं किचन कैबिनेट, है ना। ये आप कह लो कि ये रियल सेंटर है, मेन पावर इसके हाथ में है, एक ऐसी बॉडी जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये इनफॉर्मल है, फॉर्मल नहीं है,
है ना, ये इनफॉर्मल बॉडी है। इसमें प्राइम मिनिस्टर आपको मिलेंगे, 2 से 4 दूसरे और कलीग्स मिलेंगे, ज़्यादा लोग नहीं होते हैं। बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम अगर है तो उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं, और वो जो 2-4 लोग हैं वो हमारे प्रधानमंत्री को बताते हैं कि क्या आप अच्छे से पॉलिटिकल क्या आप ले सकते हो, क्या आप डिसीजन ले लो कि बहुत बढ़िया हो जाए, है ना। और देखिए इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं होता किचन कैबिनेट में, बच्चों किचन कैबिनेट में बस ज़रूरी नहीं है कि सारे मिनिस्टर्स ही हों, है ना। इसमें आपके बाहर के लोग मतलब फ्रेंड्स वगैरह फैमिली मेंबर्स वगैरह भी हो सकते हैं जो कि प्रधानमंत्री के फ्रेंड्स हों या प्रधानमंत्री के फैमिली मेंबर्स हों, है ना। तो हर एक प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया में इसकी खुद की इनर कैबिनेट तो होती है ना, मतलब एक समझ रहे हो आप, एक एक ये हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, आप ये अगर कैबिनेट है बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस है तो उसके अंदर एक इनर कैबिनेट है, एक सर्कल विद इन अ सर्कल आप कह सकते हो। ये मान लो कैबिनेट है तो उसके अंदर एक इनर कैबिनेट है, किचन कैबिनेट है, सर्कल विद इन अ सर्कल, ठीक है। तो इंदिरा गांधी के टाइम पे भी इनर कैबिनेट को हम लोग किचन कैबिनेट बोलने लग गए थे, काफ़ी पावरफुल थी, और प्राइम मिनिस्टर ने इनको जो है वो इनर कैबिनेट को का रिवाइज मतलब एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के तौर पर इसको बताया, क्योंकि इसमें काफ़ी फायदे हैं। फायदे ये हैं, आइए आपको बताएं। पहली बात तो ये कि छोटी सी है, फटाफट डिसीजन ले लेगी। दूसरी बात भाई कोई नाटक नहीं है, 3-4 लोग होंगे, जल्दी जल्दी मिलने की बात होगी तो मिल भी लेंगे। तीसरी बात प्रधानमंत्री को मदद मिलेगी कि भाई सीक्रेसी मेंटेन रहे, 15-20 लोगों को पता होगी जो बात तो फटाफट फैलेगी, नहीं तो कम लोगों में होगी तो कम लोगों में तो जल्दी से नहीं फैलेगी। तो ये तो फायदे हैं, लेकिन कुछ इसके नुकसान भी हैं बच्चों। तो नुकसान ये हैं कि इसमें आपका क्या कहते हैं स्टेटस जो कैबिनेट का है वो थोड़ा कम कर देती है, क्योंकि कैबिनेट हायर डिसीजन मेकिंग बॉडी है ना। अब इसके अंदर ये थोड़ी इज्जत कम हो जाती है कैबिनेट की, है ना। और बाहर के लोग अगर आ रहे हैं तो भाई गवर्नमेंट भाई मिनिस्टर्स तो हैं नहीं, बाहर के लोग हैं तो भाई गवर्नमेंट की फंक्शनिंग यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे ये सारी बातें हैं। और जो किचन कैबिनेट का मेन मतलब था कि मतलब डिसीजन प्रॉपर कुक्ड हो, प्रॉपर जो भी बनाए हैं, जो आपने कैबिनेट ने जो भी डिसीजन लिए हैं उसको प्रॉपर अप्रूवल प्रॉपर अच्छे से हो जाए, है ना। यूनिक इंडिया के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका ये बहुत जगह पे से USA ब्रिटेन वगैरह में भी इसको यूज़ करा जाता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं के लिए है। और अगर मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और इसका बताऊं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट जो है ना इनको आप यूज़ करते रहते हैं, है ना, डिस्टिंक्शन करने के लिए, डिफरेंट है एक दूसरे से, हमने यहाँ बता दिया। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आप फेसबुक पर मेरा पेज लाइक करके वहाँ भी वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी सारे सोशल मीडिया की साइट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्यारा व्यू कमेंट बॉक्स में छोड़े बिना कहीं मत आइएगा, और ज्वाइन बटन से आप मेरी मेंबरशिप को भी प्रेस कर ले सकते हैं, आप देख लीजिए आपको पर्क्स अच्छे लगे तो। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, टेक केयर।